ये आप देख सकते हैं चिनूक को, ये लेके आ रहा है सामान कुछ। ये मेरे को लगा ट्रक का पार्ट है क्योंकि परसों भी ये ट्रक के पार्ट लेके आया था। अभी सारी हैरी की सर्विस जो है वो रोक दी गई है, जब तक चिनूक यहाँ पे हो ना ये जो सामान लेके आए ट्रक के पार्ट लेके आए, जब तक उतारा नहीं है तब तक कोई ऊपर नहीं जाएगा। तो आज है डे टू और आज फिर से कोई चिनूक लेके आया है। कल ये वाला पार्ट लेके आया था चिनूक ट्रक का, और आज कुछ ये कुछ इधर से साफ दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्या लेके आया आज। अभी यहां से नहीं, अभी यहां से दिखेगा। जो है ये मेन हेलीपैड है और ये शायद यहाँ पे नहीं, नीचे वाले में उतारेगा क्योंकि बनाया गया है वहाँ पे माल उतारने के लिए। भारी मशीनें आती हैं वो शायद नीचे उतरेंगी ऐसा लग रहा है देख के, लेकिन देखते हैं। या उसको क्रेन ले जाएंगी बाद में या खुद वहीं पे उतारेगा। अभी जो टगा हुआ था वो नीचे वाले हेलीपैड उतार दिया, अभी यहाँ पे कुछ शायद उतार रहे हैं, देखते हैं इसमें से क्या अनलोड कर रहे हैं। अभी मुझे लग रहा है अनलोड हो चुका है, अभी तक हमने थोड़ा देर में कैमरा ऑन किया है। ये यहाँ से कुछ ले जाने वाले हैं क्योंकि ये जाल दिख रहे हैं जो आप हैं, ये उस जो भी ले जाएंगे इसके ऊपर आएगा, फिर ये लॉक होंगे, ये लॉक होगा फिर ये उस पर चढ़ेगा, लॉक दिख रहे होंगे आप। ये भी बैठे हुए इसके ऊपर, इसके ऊपर कुछ सामान जाएगा शायद, ये बन जाएगा उसके साथ और ये लॉक होगा उसके साथ। अभी शायद ये निकलने वाला है यहाँ से क्योंकि इनकी जो है शायद सारा सामान अनलोड हो चुका है, अभी निकलने वाले हैं यहाँ से, देखते हैं। तो ये यहाँ से नीचे आ गया है हेलीपैड से, आप देख सकते हो, लेकिन ये जूम नहीं हो रहा है उतना। ये फिर दूसरी बारी कुछ लेके आएगा, इसलिए उन्होंने सामान ऊपर पे छोड़ा हुआ, जाल जो बिछाया हुआ था। ये आया चिनूक फिर से दूसरी बार, ये ट्रक का आगे का पार्ट लग रहा है आगे का। ये तो पता नहीं है लेकिन ये लेके जाएगा, ये पता है यहाँ पे MI-17 का इंजन रखा हुआ है, ये लेके जाएगा यहाँ से। ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये इंजन है MI-17 का इंजन है यहाँ पे, ये लेके जाएगा इसको यहाँ से। ये क्या इंजन, इस पे MI-17 का इंजन क्या है इस पे।
शायद जेसीबी का कुछ पार्ट लेके आया, मेरी आवाज आ नहीं रही होगी आपको साफ, क्योंकि इसकी आवाज इतनी ज्यादा है कि मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही होगी। यहाँ पे ट्रक का सामान देख रहे, ये कल आया हुआ है, ये आज का है, जो अभी आया है, जो अभी लैंड किया यहाँ पे, ये अभी का आया हुआ है। और अभी ये बंद होने के बाद कुछ सामान लोड करेगा शायद यहाँ से ये, तो अभी निकलते हैं हम यहाँ से। पीछे आपको यहाँ पे चुनूक दिख रहा होगा, अभी ऑफ हो गया है, अभी बंद हो गया वो, अभी ये बंद हो गया, लेकिन कुछ लेके जाएगा यहाँ से, वो भी आपको दिखाएंगे क्या लेके जाता है यहाँ से। आज 31 अक्टूबर में आया हूँ मंदिर में, और अभी ये क्राउड आपने ये क्राउड देख सकते हैं आप, कितना क्राउड है। और यात्रा जैसे दिन कम होते जा रहे हैं वैसे यात्रा बढ़ती जा रही है। ये पीछे रहा यहाँ पे मंदिर, जैसे अभी 16 दिन कुछ बचे हैं आज से, भीड़ जो है बढ़ती जा रही है, देखते हैं कब तक ये भीड़ चलती रहती है। अरे आज बारी है कह रहा था बाहर सोने की, क्योंकि आज रूम नहीं मिल रहे, आज रूम नहीं मिल रहे तो हमको बाहर सोना पड़ेगा। आज ये कंबल मैंने रख लिया, आप बाहर सोएंगे। तो भैया आपको ये कंबल किसने दिया? अरे कंबल ये दिया ये अजय चौहान जी हैं, यहाँ पे हमारे एक दोस्त है, तो उन्होंने दिया है कंबल हमको। तो आज देखेंगे कहीं यहीं पे अगर मिल जाए कुछ छत तो उसके नीचे रह लेंगे आज। ये पानी की बोतल, पानी की बोतल थोड़ा सुबह के लिए चाहिए ना, इधर बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। ओके ठीक है बाबा जी, ओके। मजाक थोड़ा सा मजाक था, कोई गेस्ट आए हुए हमारे तो उनके लिए कंबल ले जा रहे हैं, उनपे थोड़ा कम पड़ गए कंबल, तो ये कंबल उनके लिए जा रहा है, और एक गर्म पानी की बोतल भी उन्हीं के लिए जा रही है। चल, और ये साथ में ये केटल, हाँ ये केटल, ये केटल, ये गर्म पानी करेंगे सुबह। -3 पे चल रहा है टेम्परेचर, और यहाँ अब ये ठंड, ऊपर से हवा चल रही है ठंडी वाली, और ऊपर से हवा चल रही है। केदारनाथ, अरे हमारा हाथ कितना लाल हो चुका है, देख सकते हैं कैमरा पकड़ा हुआ अभी। -3 टेम्परेचर चल रहा है, और हमारा ठंड से इतना बुरा हाल हो चुका है, हम यहीं के रहने वाले, इतना बुरा हाल हमारा हो रहा है। तो यात्रियों के यहाँ भी एक यात्री नीचे पे रो रही, छोटी बच्ची थी वो ठंड से वो रो रही है, अभी इसमें हम कर कुछ नहीं सकते हैं, उसे कुछ जल्दी से होटल है रूम मिल जाए कोई, तो फिर थोड़ा कम हो सकती है ठंड। तो आज ठंड इतनी थी कि आज खाना नहीं बनाया हमने, और मुझे लग रहा है ये गलती कर दी, क्योंकि यात्रा बहुत ज़ोरों से चल रही है, लेकिन सारे लोग यहीं पर हैं, होटल में खाना खाएंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं हमारे लिए खाना मिलता है नहीं मिलता है, अभी ढूंढ ही रहे यहाँ पे, कहीं होटल्स में खाना अवेलेबल हो जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जुगाड़ करना पड़ेगा कहीं से खाने का। और ये बर्फ, ये पुल में पूरी बर्फ है देख सकते हैं, अभी इसे पिछला जा रहा है, और ऊपर से अभी पूरा आसमान भी साफ हो चुका है, बादल एक भी नहीं है, और इसमें पाला जमने वाला है, जब पाला लेते फिर पाला नहीं जमता है, लेकिन अभी बादल है नहीं, अभी इसमें पाला जमना स्टार्ट हो चुका है, और इसमें पिछला जाएगा कब से नहीं। तो ये मंदिर में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे आपको ये पीछे दिख रही होगी शायद, पहले खाने का जुगाड़ कर रहे हैं, और अभी आरती हो रही है, लोग आरती में सारे यहाँ से दिखेगा, अभी यहाँ पे भीड़ लोग जा रहे हैं, अभी लोग नीचे से आ रहे हैं जो आप और ऊपर जा रहे हैं अभी, और वहाँ पे भी आरती हो रही है, लोग आरती पे खड़े हुए हैं अभी। अभी आपको एक बात बतानी है कि आप जब भी केदारनाथ, जब ये ब्लॉग पता नहीं कब आएगा, मेरे पास 2 ब्लॉग अभी और है पर पेंडिंग पे, लेकिन आप जब भी पहाड़ में आओ तो आपने साथ
साथ एक रेनकोट और गर्म कपड़े जरूर लेके आए, क्योंकि पहाड़ के मौसम में कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी चेंज हो सकता है, ये गर्मियों के मौसम में और ठंडियों के मौसम में। अपने पास रेनकोट और गर्म कपड़े जरूर रखे, कभी बहुत बुरी हालत होगी यहाँ पे लोगों की। अभी आरती के दर्शन करवा दें आपके। बर्फ ये तक से देख सकते हैं यहाँ पे आप, यहाँ पे जमीन दिख रही है यहाँ से। और अभी हम चलते पहले खाना खाने के लिए। दाल है और सब्जी रोटी, और उधर तक ये देखिए ये जो आप ट्रक देख रहे हैं ये वाला, ये कल असेंबल किया गया है यहाँ पे। ये चिनूक जो हेलीकॉप्टर लेके आया था, तो कल इसकी टेस्टिंग भी चल रही थी, अभी टेस्टिंग चल रही है शायद, कल रात को स्टार्ट किया था एक बार इन्होंने, और आगे पीछे किया था थोड़ा सा इन्होंने, लाइट्स ऑन थी कल इनकी, स्टार्ट हो रहा था ये। और ये यहाँ पे जेसीबी का पार्ट है यहाँ नीचे पे, और ये सामने पे इसकी चेन है। तो ये ट्रक है जो कल नीचे पे था, अभी तैयार हो, अभी ये रेडी हो चुका है काम करने के लिए यहाँ पे। और ये ट्रैक्टर है जो चिनूक से आया था, ये पूरा ऐसा आया था लेकिन इसे पार्ट पार्ट में आया था। तो अभी यहाँ पे जेसीबी ये तैयार हो रहा था, यहाँ पे ट्रक भी था, ट्रक तो ऊपर चले गया, अभी जेसीबी यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ये मशीन अभी यहाँ पे तैयार हो रही है, इसके पूरे पार्ट अभी आए नहीं है, कोई और आएंगे कुछ। ये ब्लॉग में पता नहीं हम कितनी बार मंदिर आ चुके हैं, चिनूक वाले ब्लॉग में, तो ये मंदिर की ओर जा रहे हैं, मंदिर के नज़ारे आपको दिखा दे, इसलिए स्पेशली हम मंदिर आए हुए हैं, क्योंकि मंदिर में कुछ लाइटें लगाई गई हैं जिससे कि मंदिर कुछ अलग ही दिख रहा है, आपको दिखाते हैं एकदम से, पूरा लाल जो लाइट लगी हुई है मंदिर पे दिखाते हैं आपको। ये कुछ मंदिर का नज़ारा है रात को नई लाइटिंग लगने के बाद, क्योंकि अब 6 दिन बच चुके हैं यात्रा के लिए, दिवाली भी आने वाली है, इसलिए अभी मंदिर को सजाया गया इस तरह से, अब देख सकते हो।